हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। बॉलीवुड की दबंग अभिनेत्री और रैपर सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को पटना बिहार में हुआ। पटना के कदम कुआं में सोनाक्षी सिन्हा का घर है। कदम कुआं के भुवनेश्वर निवास में उनका बचपन बीता है। मशहूर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की पुत्री हैं। वो दो जुड़वा भाइयों लव सिन्हा और कुश सिन्हा के साथ 3 बच्चों में सबसे छोटी हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी। उनके फिल्म करियर की शुरुआत काफी शानदार रही। साल 2010 में फिल्म दबंग से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उनके अपोजिट सलमान खान थे और इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के अभिनय को सभी ने सराहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्मफेयर का पुरस्कार भी मिला। सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के आर्य मंदिर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और श्रीमती नाथीबाई दामोदर क्रैक से महिला विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक का उपाधि प्राप्त किया। सोनाक्षी अपनी दादी स्वर्गीय श्यामा सिन्हा की काफी करीब थी। श्यामा जी सोनाक्षी को बहुत प्यार करती थी। बचपन में गोलू मोलू की तरह दिखने वाली सोनाक्षी सिन्हा दिन भर दादी से चिपकी रहती थी। सोनाक्षी का स्वभाव बचपन से ही दबंग जैसा था। वो दोनों भाइयों को अपना कहना मनवाने के लिए विवश कर देती थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस चुनाव के दौरान सोनाक्षी पटना में ही रहकर अपने पिता का हौसला अफजाई की। सोनाक्षी जब बतौर एक्ट्रेस अपने को स्टार अजय देवगन के साथ अपने घर फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए प्रमोशन के लिए पटना आई थी, तब उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक हजारों के तादाद में लोग बस उनकी एक झलक पाने को चले आए थे। साल 2012 में सोनाक्षी सिन्हा की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 2 में ये अक्षय कुमार तथा 1 में अजय देवगन और 1 में सलमान खान के साथ नजर आई। साल 2013 में सोनाक्षी की पहली फिल्म विक्रम आदित्य मोटवानी के निर्देशित में लुटेरा थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत खास कमाल नहीं कर पाई, किंतु फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा की भूमिका को खूब सराहा। सोनाक्षी को साल 2010 में आई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में देखा गया। इस फिल्म में एक बार इन्हें अक्षय कुमार के साथ देखा गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तरफ से बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड मिली। आज तक की तरफ से बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस अवार्ड प्राप्त किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कलंक को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। सोनाक्षी सिन्हा को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें से कुछ ये हैं। साल 2011 में फिल्म दबंग के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ। एनुअल यूरोपियन बॉलीवुड अवार्ड की तरफ से बेस्ट न्यूकमर फीमेल अवार्ड, फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड की तरफ से स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर अवार्ड, लॉयंस गोल्ड अवार्ड की तरफ से फेवरेट डेब्यूटेंट अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की तरफ से बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड, आज तक की तरफ से बेस्ट डेब्यूटेड एक्ट्रेस अवार्ड, स्टार डस्ट की तरफ से सुपर स्टार ऑफ टुमारो अवार्ड। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।